हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वाचिंग न्यूरा। गाइस, आज हम पढ़ने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि हमारा जेई मेन 2020 अप्रैल क्रैश कोर्स के लिए है एंड इसकी पहली वीडियो आपके पास पहले ही आ चुकी है। आज की ये जो वीडियो है वो वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जेई मेन के लिए, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर जो भी कंसेप्ट आते हैं, जो भी हमारे पास कंसेप्ट आते हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको फर्स्ट वीडियो में। आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिर्फ देखेंगे। तो गाइस, जो भी ये वीडियो है इसके शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में गाइस, जो ये वीडियो है उसका जो होमवर्क है उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, जेई मेन 2020 अप्रैल के लिए आपके पास बहुत बड़ी गुड न्यूज है, वो ये है कि हमारी न्यू की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज इज ऑनलाइन एंड साथ में ये एनटीए के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ओके गाइस, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एंड आप जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा देगा। ठीक है गाइस, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइस, साथ में जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है इसकी रेगुलर वीडियो अगर आपको टाइम पे चाहिए, मतलब बहुत जल्दी चाहिए, तो आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है क्योंकि सारी वीडियोस एंड्रॉयड ऐप पे पहले अपलोड हो जाती है और यूट्यूब पे कभी कभी हो सकता है कि डिले हो सकती है बिकॉज यूट्यूब पे कुछ रूल्स होते हैं, एक दिन में 3 से ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ओके गाइस, अब नाउ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स आर सेट टू बी इन अ सीक्वेंस इफ दे आर रिटन अकॉर्डिंग टू एनी रूल। मींस नंबर्स को हम एक सीक्वेंस में बोलते हैं अगर वो किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखे हुए हों। जैसे कि मैंने बोला कि जो टी एन टर्म है, मींस जो आपका एन टर्म है, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। मींस फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। सेकंड टर्म आपका क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मैंने क्या कर दिया कि जो नंबर्स हैं उनको क्या कर दिया, एक रूल से डिफाइन किया कि भाई फर्स्ट प्लेस में जो नंबर आएगा, सेकंड प्लेस में जो नंबर आएगा, थर्ड प्लेस में जो नंबर आएगा, इनके बीच में मतलब क्या रूल फॉलो हो रहा है, उस रूल को मैंने आपको बता दिया। नाउ, तो अगर हम किसी भी जो सेट ऑफ नंबर्स हैं अगर हम उनको देख सकते हैं कि भाई कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर हम उनके लिए कुछ एक रूल डिफाइन कर पाएं, तो हम बोलेंगे कि भाई जो नंबर है वो किसमें? सीक्वेंस में। नाउ नेक्स्ट आपका आता है सीरीज। तो सीरीज आपका होता है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। हमारे सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का जो समेशन होता है वो आपकी क्या कहलाती है? सीरीज कहलाती है। नाउ अब अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे तो हमारे पास बहुत ही फेमस टाइप के सीक्वेंस होते हैं जिनको हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एपी? देखिए, एपी इज अ सीक्वेंस इन विच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कॉन्स्टेंट टू द प्रीसीडिंग टर्म। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमें जो भी टर्म ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, उससे जस्ट पहले वाले टर्म में कॉन्स्टेंट को ऐड कर देंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई टर्म है और हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें कॉन्स्टेंट को ऐड कर देंगे तो हमें एक नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से एंड जो कॉमन डिफरेंस, मीन्स जिस कॉन्स्टेंट को हम ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। नाउ अब देखिए, अगर स्मॉल ए से आपका फर्स्ट टर्म हुआ और कॉमन डिफरेंस आपका स्मॉल डी से हुआ, तो जो टी एन है, मीन्स जो आपका एनथ टर्म है, उसकी क्या वैल्यू होगी? तो उसका फॉर्मूला आपको होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज योर फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स कौन सा टर्म आपको निकालना है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है sn। sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n ap, मीन्स स्टार्टिंग के जो n टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का समेशन, मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू t1 प्लस tn। ओके, नाउ ये वाला फॉर्मूला आपको तब ज़्यादा फायदा करेगा जब आपको a, n और d अलग अलग दिए हो। अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया, तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए कि जब भी आपको एक एपी में दो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मीन्स जब भी आपको एक एपी में दो नंबर्स चाहिए होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक a माइनस टी एंड a प्लस टी
as those numbers. Means जब भी आपसे कोई क्वेश्चन में कि two numbers are given in AP, such that their sum is so and so. ठीक है, तो उस केस में आप numbers को क्या मानिए, अपने आप से numbers को assume कीजिए a minus t and a plus t. Now अगर आपने a minus t and a plus t numbers को माना है, then remember इनके बीच में जो common difference होगा that will be equal to 2d. इनके बीच का common difference 2d होगा, ना कि d होगा. इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए. अब अगर किसी ने बोला कि भाई उसको चार नंबर चाहिए, तो फोर नंबर्स आपको क्या क्या मिलेंगे, वो आपको मिल जाएंगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ठीक है, सॉरी a माइनस थ्री डी. ठीक है, फोर नंबर चाहिए ना आपको, तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस टी, ए प्लस टी एंड ए प्लस थ्री डी. ठीक है, तो ये आपके फोर नंबर्स हो गए. इस केस में भी आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, आपका 2d है. ओके, नाउ इसमें फायदा क्या मिलेगा कि जो समेशन ऑफ ऑल नंबर्स होगा उसमें d आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ a, तो आपकी a की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी. नाउ अब देखिए नेक्स्ट, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू टेक थ्री नंबर्स इन AP, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक a माइनस टी, a एंड a प्लस टी एज दोस नंबर्स. ठीक है, नाउ इसमें भी क्या फायदा हो रहा है, जो समेशन ऑफ नंबर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, थ्री टाइम्स ऑफ a, मीन्स ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ d हो जाएगा, मीन्स डायरेक्टली आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है. नाउ ऐसे आपको अगर पांच नंबर्स चाहिए, तो फाइव नंबर्स आपके लिए कौन कौन से हो जाएंगे, वो आपके लिए होंगे a माइनस टू डी, कॉमा a माइनस टी, फिर a, फिर a प्लस टी, फिर a प्लस टू डी. लेकिन इस केस में जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या है, ओनली d है, 2d नहीं है. क्या है, d इज योर कॉमन डिफरेंस इन दिस केस. मीन्स अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, देन गो फॉर दिस, जिस केस में आपको कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2d रहेगा. इफ यू आर रिक्वायर्ड टू टेक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, देन गो फॉर दिस. ठीक है, इस केस में आपको कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, स्मॉल d रहेगा. ओके गाइस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर. गाइस, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि भाई अगर आपके पास ए बी सी, मीन्स अगर आपके पास तीन नंबर्स हो, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन ए बी, मीन्स इफ ए कॉमा बी कॉमा सी दीज आर इन ए बी, देन 2b is equal to a plus b, means we can write कि भाई 2 times of middle term, this is equal to first term plus last term. ठीक है, ये होता है. साथ में b is said to be arithmetic mean of a and c, means जो आपका middle term होता है उसको हम बोलते हैं first term and last term का arithmetic mean. अब now देखना, अगर हमारे पास दो numbers given हैं, तो उनका जो arithmetic mean होता है that is equal to sum of those numbers divided by 2, means x1 plus x2 divided by 2. Now मान लो कि आपके पास n numbers given है, means x1 comma x2 अप टू xn, अगर आपके पास n नंबर्स गिवन है, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ये होगा कि भाई समेशन ऑफ ऑल दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय n, मींस कितने नंबर्स आपके पास गिवन है वो. नाउ सो अर्थमेटिक मीन ऑफ x1, x2, up to xn, ठीक है, इनका जो arithmetic mean होगा वो आपका हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 up to xn, उन सभी का summation divided by n. Okay, now, अब देखना, कभी कभी question में ऐसा बोलता है कि we insert three arithmetic mean between 2 and 22, या फिर इस टाइप के काफी कुछ question पूछते हैं. एक बार JEE Main में question पूछा था कि we are inserting थ्री ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स. ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा लिखा हो कि भाई वी आर इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो ये होता है कि भाई ए कॉमा ए वन, ए वन मीन्स फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, कॉमा सेकेंड अर्थमेटिक मीन, कॉमा थर्ड अर्थमेटिक मीन, अप टू एन एथ अर्थमेटिक मीन, कॉमा बी दीज आर इन ए पी. इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेके ए के बाद क्या होंगे, आपके सारे अर्थमेटिक मीन स्टार्ट हो जाएंगे एंड वी विल गो अप टू बी, मीन्स जो आपके पास ये एन प्लस टू टर्म्स आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एन प्लस टू जो नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे एन प्लस टू नंबर्स किस में है, ए पी में है. नाउ अगर ये एन प्लस टू नंबर्स ए पी में है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए पी का जो भी फॉर्मूला होता है या ए पी की जो भी प्रॉपर्टीज होती है, वो सभी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. वो सभी को अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, आपके पास इस AP का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फिर आप A1, A2, A3 इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर इनका समेशन निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा है आप वो फाइंड कर सकते हैं. ओके गाइस, गाइस जो नेक्स्ट टाइप का सीक्वेंस होता है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम बोलते हैं GP. देखिए GP क्या होता है, GP इज अ सीक्वेंस इन व्हिच सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट टू द प्रीसीडिंग टर्म. मींस हम क्या करें, कोई भी टर्म के जस्ट पहले वाली टर्म में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, एंड हम क्या करें, मान लो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है 3, तो मैंने 2 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिला, 6. 6 में मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिला, 18. 18 में मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिला, 54. मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हर एक टर्म में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, अपना नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है. ठीक है, नाउ
अब देखिए कि जो फर्स्ट टर्म होता है जीपी का, इसको भी हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, एंड जो कॉमन रेशियो होता है जीपी का, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. ओके, नाउ जो इसका टी एन, मतलब जो इसका एन टर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन. नाउ जो SN का मतलब क्या हुआ आपका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP. तो देखिए इसके दो फॉर्मूले हैं, इफ R इज नॉट इक्वल टू 1 तो इसका फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. लेकिन अगर आपका R इक्वल टू 1 होता है देन आपका सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ GP जो आता है दैट इज इक्वल टू n इंटू a. ओके गाइस, अब देखिए इसके बाद GP में एक आपका एक अलग ही कंसेप्ट आता है, वो आपका आता है S infinity का मतलब होता है sum of infinite number of terms of GP. तो जो आपका S infinity होता है, this is equal to A upon 1 minus R means first term upon 1 minus common ratio. And guys remember, ये आपके लिए बहुत important है कि S infinity जो होता है, it is defined only when जो आपका R क्या हो, minus 1 से 1 के बीच में हो. Means आप देख सकते हैं कि जब आपका R क्या हो, R आपका हो less than, अब जो mod of R है वो आपका क्या हो, less than 1 हो, एंड साथ में R आपका जीरो नहीं हो सकता कभी भी. कोई भी हम GP लेते हैं तो उसमें कोई भी जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. तो मीन सम टू इनफाइनाइट टर्म्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन मॉड ऑफ R दिस इज लेस देन 1 एंड R इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके गाइस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर. गाइस हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आप AP के इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं. देखिए जिस तरह से मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे AP में दो नंबर्स थे तो मैं उनको क्या लेती थी, a माइनस टी एंड a प्लस टी, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे टू टर्म्स से एक इसमें जीपी में टू टर्म्स से है, तो मैं उनको क्या मानूंगी, इनको मैं मानूंगी ए बाय आर एंड ए आर. ठीक है, नाउ अगर मैं इस तरह से नंबर्स को मान रही हूँ तो इस केस में जो आपका कॉमन रेशियो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, दैट इज आर स्क्वायर. ठीक है, इस केस में आपको कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आ रहा है. नाउ अगर मुझे चार नंबर्स चाहिए तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके होंगे ए अपॉन आर क्यूब कॉमा ए अपॉन आर कॉमा ए आर कॉमा ए आर क्यूब. ठीक है, नाउ अब देखना अच्छे से, ऐसे अगर मुझे थ्री टर्म्स चाहिए जीपी में तो तीन टर्म्स आपके जीपी में क्या हो जाएंगे, ए बाय आर कॉमा ए कॉमा ए आर. इस केस में जो आपका कॉमन रेशियो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, आर हो रहा है. नाउ अगर मुझे पांच टर्म्स चाहिए तो मेरे केस में पांच टर्म्स क्या हो जाएंगे, इस केस में पांच टर्म्स आपके हो जाएंगे ए अपॉन आर स्क्वायर फिर ए अपॉन आर फिर ए फिर ए आर फिर आपका ए आर स्क्वायर. मीन्स हम किसी भी टर्म में आर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है. लेकिन इस तरह से लेने में, इस तरह से अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म्स को या दो टर्म्स को या चार टर्म्स को, फायदा क्या हो रहा है, देखिए हर केस में जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टर्म्स जो आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो टर्म आ रहा है, तो वो आपका क्या आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर ए क्यूब. तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है तो आप ए की वैल्यू जल्दी से निकाल लेंगे, फिर आगे आप और सब कंडीशन को फॉलो करते हुए आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन क्या होंगे, कम हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट देखिए कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, मीन्स अगर आपके पास तीन नंबर जीपी में हो देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मीन्स मिडिल टर्म का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म. नाउ अब आपके देखिए अगर हमारे पास एन नंबर्स गिवन है तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो आपका होता है एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री अप टू एक्स एन टू द पावर वन अपॉन एन. मीन्स जितने भी हमारे पास नंबर्स गिवन है उन सभी का प्रोडक्ट टू द पावर वन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कि इफ एन ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ये आपका एपी की तरह ही है बिल्कुल कंसेप्ट. मीन्स अगर हम क्या करें, दो नंबर्स ए एंड बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करें, कौन कौन सी मीन को, जी वन जी टू जी थ्री जी एन, तो क्या होता है ए कॉमा जी वन कॉमा जी टू अप टू जी एन कॉमा बी, मीन्स जो आपकी एन प्लस टू नंबर्स हो रहे हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, वो सभी जीपी में हो जाते हैं. अब नाउ ये नंबर्स आपके क्या है, जीपी में है, तो आप जीपी के फॉर्मूले जो भी आपकी प्रॉपर्टीज उनको लगा सकते हैं, एंड आप मतलब जो भी आपके पास अननोन है उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में आपको जो भी पूछ रहा है आप वो बता सकते हैं. ओके गाइस, हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर. गाइस हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं HP. ओके, नाउ ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगी कि भाई ये nth टर्म का फॉर्मूला है या फिर ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है. इसको हम पूरा AP की हेल्प से सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि आपके पास इफ T1, T2, T3 up to TN आर इन HP, मान लीजिए आपके पास n टर्म्स हैं जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हैं, देन आपके पास क्या होता है, ऑलवेज इट इंप्लाइज दैट 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon T3 up to 1 upon TN दीज आर इन AP. मीन्स जब भी आपके पास कुछ नंबर्स किसमें हो, HP में हो, देन हमेशा आपके पास ये होगा कि भाई जो उनके रेसिप्रोकल हैं वो किसमें हो जाएंगे,
उनके रेसिप्रोकल हमेशा एपी में हो जाएंगे। नाउ अगर इनके रेसिप्रोकल एपी में हो गए तो इनके बीच में अब आप जो ये नंबर्स एपी में आ रहे हैं इनके बीच में आप एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। आप एपी का एन टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको लगा के आप कॉमन डिफरेंस वगैरह जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं, एंड आप रेस्पेक्टिव टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं जो भी आप मतलब क्वेश्चन में गिवन है या फिर जो भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई ये आपको फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हैं इन नंबर्स को एपी में मानते हुए। ऑलवेज जब भी आपके कुछ नंबर्स एचपी में होंगे तो उनके रेसिप्रोकल हमेशा किस में होंगे, एपी में होंगे। नाउ अब गाइस हमारे पास अगर कुछ नंबर्स x1 x2 up to xn तो उनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n अपॉन 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus up to 1 upon xn means नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास टर्म्स हो रहे हैं उनका रेसिप्रोकल का समेशन। ओके गाइस नाउ देखिए ये फिर से वही कंसेप्ट आ गया जो हमने एपी जीपी में पढ़ा था कि भाई इफ एन हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, मान लो हमारे पास दो नंबर से ए एंड बी उनके बीच में हमने एन हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया, कौन कौन से हार्मोनिक मीन, H1 H2 H3 अप टू कौन सा HN, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ए कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा HN मतलब अप टू HN कॉमा बी मीन्स जो हमारे पास एन प्लस टू टर्म्स आ रहे हैं या फिर एन प्लस टू नंबर्स आ रहे हैं दीज विल बी इन एचपी, ये हमारे किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। अगर ये हमारे एचपी में हो जाएंगे तो आगे आप जो भी प्रोसीड करना चाहते हैं कर सकते हैं, एंड साथ में कैसे प्रोसीड करेंगे कि इनके रेसिप्रोकल को एपी में मान लेंगे, फिर आप रेस्पेक्टिव नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको बता सकते हैं। ओके गाइस अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन आता है दैट इज अर्थमेटिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड दिस इज वेरी स्पेशल। देखिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि जेईई मेन इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ चुका है एंड पूछता है, अभी भी आपका 2019 एंड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हमने थ्योरी वाले पार्ट में इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इट इज अ सीक्वेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एपी है और मेरे पास कोई एक जीपी है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स उनको आप मल्टीप्लाई करते जाइए, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको एक रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलेगा वो आपका क्या होगा, दैट विल बी एजीपी, ठीक है, अर्थमेटिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम एजीपी बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ठीक है, और मान लो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1 r r² एंड सो ऑन। नाउ हम क्या करते हैं कि इसके जो टर्म्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग, तो आपको ने a से 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया a, इसको आपने r से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला a प्लस डी इंटू आर, ऐसे ही आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा a प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मिस गाइस यहाँ पर देखिए आप अच्छे से, ये आपका ए पी था, ये आपका जी पी था, और ये आपका क्या बन गया, ए जी पी बन गया। मिस आप क्या करें, एक ए पी लें एक जी पी उठाएं, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म को फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते जाएं, और जो आपका रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी ए जी पी। नाउ इसमें मैंने बताया था कि इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी, अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए हमने एक ए जी पी लिया, लेट सपोज मैंने लिया 1, फर्स्ट टर्म इसका हो गया 1 into 2, ठीक है, सेकेंड टर्म आपका हो गया 2 into 2 into 3, प्लस थर्ड टर्म आपका हो गया 3 into 2 into 3 square, ठीक है, प्लस फोर्थ टर्म आपका हो गया 4 into 2 into 3 cube, ठीक है। नाउ इस तरह से आपका एक ए जी पी चल रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखना है कौन सी ए पी से मिलकर बना है, ए पी आपकी ऑब्वियसली कौन सी है 1 2 3 4, जी पी आपकी कौन सी है, जी पी आपकी हो रही है 2 2 into 3 2 into 3 square 2 into 3 cube। नाउ ये जिस ए पी से मिलकर बना है मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेन इंटरेस्ट मेरा इसमें है कि भाई वो किस जी पी से मिलकर बना है, कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मिलकर बना है। तो ये जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मिलकर बना है वो आपकी है 2, फिर आपको नेक्स्ट टाइम है 2 into 3, फिर आपको नेक्स्ट टाइम है 2 into 3 square, फिर आपको नेक्स्ट टाइम है 2 into 3 cube। तो गाइस यहाँ पर देखिए अच्छे से कि वो जिस जीपी से मिलकर बना है उसके कॉमन रेशियो को फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर उसका कॉमन रेशियो क्या है 3, उस कॉमन रेशियो को फाइंड करके आप क्या कीजिए SN को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 into SN। तो आप SN को मल्टीप्लाई करें तो आप इसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 into 2 into 3। नाउ आपने मल्टीप्लाई किया और साथ में एक टर्म शिफ्ट करके लिखो, ठीक है। नाउ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो उसको, या इसके थर्ड टर्म के नीचे लिखो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 2 into 2 into 3 square, ठीक है। इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉमन रेशियो को, देन यू विल गेट 3 into 2
टू इंटू थ्री क्यूब एंड सो ऑन. नाउ आपने एस एन में आर का मल्टीप्लाई किया, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई किया, एंड आप क्या करो एक टर्म शिफ्ट करके लिखो, एंड अब क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो. जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट एस एन इंटू वन माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू, ये आपको मिला वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री. फिर आपको क्या मिला नेक्स्ट टू इंटू थ्री स्क्वायर, फिर आपको नेक्स्ट मिल रहा है टू इंटू थ्री क्यूब एंड सो ऑन. मीन्स अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ एक जीपी बची हुई है, एंड आप इस जीपी का समीकरण निकाल सकते हैं. जैसे आप जीपी का समीकरण निकाल सकते हैं तो मीन्स आपके पास माइनस टू इंटू एस एन की वैल्यू आ गई. अगर आपके पास माइनस टू इंटू एस एन की वैल्यू आ चुकी है देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन. ओके गाइज, तो ये आपका एक मेथड होता है, इसी मेथड पे आप चलिए आपका आंसर हमेशा आएगा. ओके गाइज, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर. गाइज इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज रिलेशन बिटवीन मीन्स. ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन मीन्स में आपकी दो टाइप की रिलेशन होती है. मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स गिवन है ए कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, तो मान लो कि उनका जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज कैपिटल ए, मीन्स कैपिटल ए दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. इनका ज्योमेट्रिक मीन है वो है आपका कैपिटल जी, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी अंडर रूट ऑफ ए बी. इनका हार्मोनिक मीन है वो आपका क्या है कैपिटल एच एस, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. एंड गाइज यहाँ से आपको ये बात पता चल गई कि जब भी आपके पास दो नंबर होते हैं ए एंड बी तो उनका हार्मोनिक मीन क्या आता है, उसका फॉर्मूला आता है आपका टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, नाउ अब देखिए तो गाइज जो भी आपका ये ज्योमेट्रिक मीन है अर्थमेटिक मीन है हार्मोनिक मीन है ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करती है एंड दैट रिलेशन इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच. मतलब ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन. नाउ नेक्स्ट आपकी जो रिलेशन होती है दिस इज फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स. इफ यू हैव एन पॉजिटिव नंबर्स मीन्स मान लो मेरे पास ए वन ए टू से लेके ए एन पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन मान लो कि ए कैपिटल ए इनका अर्थमेटिक मीन, इन सभी नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या है कैपिटल ए, इन सभी नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपका क्या है कैपिटल जी, एंड इन सभी नंबर का जो हार्मोनिक मीन है वो आपका क्या है कैपिटल एच. तो इसके बीच ये रिलेशन होती है कि भाई कैपिटल ए इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल जी इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल एच. मीन्स जो अर्थमेटिक मीन है ए एम दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम इज ग्रेटर इक्वल टू एच एम. मीन्स अगर हमारे पास एन पॉजिटिव नंबर्स गिवन है तो उनमें सबसे बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, उससे छोटा होता है हार्मोनिक मीन. और देखिए तो ये आपकी आती है मतलब रिलेशन आती है, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज कि ए एम इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम, कभी कभी जी एम इज ग्रेटर इक्वल टू एच एम भी यूज होता है, तो ये आपकी इनइक्वालिटी लिखी हुई है. नाउ अब देखिए वेयर इक्वालिटी होल्ड्स वेल व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल. इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है, इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब ये है कि भाई जो अर्थमेटिक मीन हो वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है एंड हार्मोनिक मीन के बराबर, मींस आपके जो तीनों मीन सारे वो क्या हो जाए बराबर हो जाए. तो तीनों मीन आपके बराबर तभी होते हैं जब आपके सारे नंबर्स बराबर हो. ओके गाइस, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, एंड जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट होता है वो होता है आपका सिग्मा मेथड. गाइस हमारा नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज सिग्मा मेथड. सिग्मा मेथड हम यूज करते हैं टू फाइंड द समेशन ऑफ अ सीरीज. देखिए हमारे पास कोई सीरीज गिवन हो तो उसका समेशन फाइंड करने के लिए हम सिग्मा मेथड तब यूज करते हैं जब उसका जो nth टर्म हो वो आपको गिवन हो, मींस nth टर्म आप किस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं. मान लीजिए कि कहीं आपका nth टर्म गिवन है tn दिस इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n क्यूब. ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इफ यू हैव tn मींस अगर आप tn को n के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं देन यू कैन फाइंड द sn इन टर्म्स ऑफ n. अब नाउ उसके लिए आपके कौन कौन से फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल होते हैं. पहला फॉर्मूला होता है सिग्मा n दिस इज इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 बाय 2. सिग्मा n का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ओके, नाउ इसका ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट सिग्मा n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 बाय 6 मींस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. ये आपका इसका फॉर्मूला ये होता है. नेक्स्ट आपका आता है सिग्मा n क्यूब मीन सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, जिसको कि हम लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर. एंड ये आपका क्या होता है सिग्मा एन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एन का होल स्क्वायर. नाउ इन फॉर्मूले का यूज कर तो हम एस एन फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि इसी के टर्म्स में मुझे एस एन फाइंड करना हो तो एस एन का मतलब क्या हुआ, एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा टी एन. ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है भाई समेशन. ठीक है, सिग्मा टी एन का मतलब क्या हुआ टी वन प्लस टी टू अप टू टी एन, मीन टी वन से लेकर टी एन तक जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनका समेशन. ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सिग्मा ऑफ टू एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं
टू इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन क्यूब। नाउ इसको हमने कैसे लिखा, सिग्मा में प्लस साइन को हम बिल्कुल इजिली ट्रीट करते हैं, मतलब स्प्लिट कर देते हैं। देखो आपके पास क्या जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ टू एन स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एन क्यूब। नाउ टू इज अ कॉन्स्टेंट, तो सिग्मा मेथड में हमारे पास जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो सिग्मा के बाहर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो टू को हमने बाहर मल्टीप्लाई लिखा, टू इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन क्यूब। ओके गाइस, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, मींस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे इनको जल्दी सॉल्व करना है, क्या आपका मेथड होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, और जो हमने ये दो वीडियोस में पढ़ा इनका एप्लीकेशन कैसे करना है। ओके गाइस, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड गाइस हमारी जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जेईई मेन अप्रैल 2020 के लिए वो आ चुकी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ में गाइस क्रैश कोर्स के लिए हमारा एंड्रॉयड ऐप आ चुका है, एंड्रॉयड ऐप में आपको जितना भी क्रैश कोर्स है मतलब जो भी वीडियोस हैं वो आपको पहले मिल जाती हैं, ठीक है, पहले एक्सेसिबल हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए आप एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।